हेलो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। और आज का ब्लॉग ना मेरे व्यूअर्स के डिमांड पे है। कुछ 10-15 दिन पहले उन्होंने डिमांड किए थे, पर मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, नहीं बना पा रही थी इस टॉपिक पे ब्लॉग। तो आज मैं बनाती हूँ वो ब्लॉग और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो संगीता जी, उम्मीद है आपको पसंद आए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और चीज़ें नहीं होती है मेरे पास, तो उन्होंने डिमांड की थी कि आप अपने साड़ियों का कलेक्शन दिखाएं। तो साड़ियाँ तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, और देखो आज भी एक साड़ी पहनी हूँ। मेरा फेवरेट है, चीप चीप रेट के होते हैं, चीप एंड बेस्ट में मैं अच्छी साड़ियाँ लेती हूँ। हल्की साड़ियाँ मुझे पसंद है, मेरे पास एक भी भारी साड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और सब मेरी पसंद की है। तो देखना प्लीज़, अच्छा लगे तो लाइक करना, पर बुरा लगे तो कुछ मत बोलना, ओके? तो मैं शेयर करती हूँ, चलो आप लोग मेरे साथ मेरे अलमीरा के पास। तो मैं एक एक करके अपनी साड़ियाँ निकालूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, तो बहुत कम साड़ियाँ हैं और बहुत हल्की हल्की साड़ियाँ हैं, पर मेरी फेवरेट है सब और मुझे बहुत पसंद है। तो अलमीरा से मैं पहले एक एक करके अपनी सारी साड़ियाँ निकाल लेती हूँ, और अभी आप लोगों को ना साड़ियों के साथ ना मैं ब्लाउज भी अटैच करके रखती हूँ, मुझे ब्लाउज इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो पहले मैं ब्लाउज दिखाती हूँ। कुछ साड़ियों के ब्लाउज मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि ये वाली साड़ी, ये पूरा नेट में है और फुल बाजू के ब्लाउज है, और इसका नेक देखो कॉलर है, पीछे से राउंड है, हाफ कॉलर है, तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है इस साड़ी का। मतलब साड़ियाँ सिंपल हो और ब्लाउज अगर अच्छे तरीके से स्मार्ट टाइप से बना हो ना, तो अच्छा लुक आ जाता है, स्मार्टनेस स्मार्ट लगता है। और ये देखो लाइट स्काई में नेवी ब्लू ब्लाउज, ये ब्लाउज भी मैं ही खुद ही सिलाई की हूँ, और इसमें लटकन लगा हुआ है, तो हैवी लटकन नहीं है, लाइट सा हल्का लटकन है, और लेस दिया हुआ, तो वो ब्लाउज भी बहुत पसंद है, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है उसका। और ये तो रेड में है, उसमें कढ़ाई थी ब्लाउज के बीच में। ये एक ब्लाउज है, सब शॉर्ट बाजू है, या तो फुल बाजू है मेरे ब्लाउजों में या शॉर्ट बाजू है। ये एक ब्लाउज, ये सिंपल है, स्मूथ कपड़ा है, सब सारे स्मूथ है और अच्छे लगते हैं। ये हो गई एक साड़ी, ये वेलवेट की बॉर्डर में देखो कितना सुंदर काम है, मोती और स्टोन लगे हुए हैं, और इसके ब्लाउज में भी ना बॉर्डर में मैं दी हूँ वेलवेट का, और पूरा फुल बाजू है ये ब्लाउज, और नेट नेट का बाजू है, सॉफ्ट नेट होता है ना, तो वो है। ये हो गई, ये बहुत पुरानी साड़ी है, मेरे शादी से पहले की, शादी से 1 साल पहले की ये मेरी बुआ गिफ्ट की थी। कुछ साड़ियाँ गिफ्टेड है, 2-3, और बाकी तो सब मेरी पसंद की है। तो ये ब्लाउज पूरा सिंपल है, स्क्वायर नेक है, ये जब वीरवार वाले दिन पूजा जब कुछ होता है तो उसी दिन मैं वो साड़ी पहनती हूँ। और ये देखो सारी साड़ियाँ अब मैं एक एक करके फैलाई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आइए दिखाती हूँ साड़ी साड़ियों को। तो ये है पहले, देखो सॉफ्ट सिल्क वाली साड़ी है, ये पिछले साल ही ये मेरी छोटी भाभी गिफ्टेड की थी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रीन में नेवी ब्लू ब्लाउज है उसके, वो अच्छे लगते हैं मुझे। पहले तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता, फिर बाद में पसंद आता, मेरी चॉइस ऐसी है। ये देखो ये साड़ी 6 साल पहले की है, 7 साल हो गया मेरे देवर की शादी में, ये देवर ने गिफ्ट किया था, मतलब उनके तरफ से ये साड़ी मिली थी, वो साड़ी बहुत अच्छी है। ये साड़ी है मेरे शादी के टाइम की, तो इसका भी लुक अलग टाइप का, देखो बीच से कट है, ये पहनो तो अलग टाइप का लुक आ जाता है। ये साड़ी मैं पहली बार इस टाइप की देखी थी, और यही एक साड़ी है जो मुझे ससुराल के से जो मिला था उसमें से एक पसंद आई थी। और ये देखो ये साड़ी, ये भी मेरी नंदू ने गिफ्ट किया था, दो ननद मिलकर एक साड़ी मुझे दी थी पहली बार, लॉकडाउन पे मैं वहीं थी पिछले साल, तो एनिवर्सरी आई थी मेरी, तो दोनों गई थी, तो बोली पसंद करो, तो मुझे ये पसंद आया तो मैं वो ले ली, तो वो हो गई। और ये तो मेरी पसंद की साड़ी, ये सब इस टाइप के कलर वाले, लाइट कलर वाले साड़ियाँ ना मैं खुद ही पसंद करती हूँ, मुझे इसी टाइप की अच्छी लगती है। तो वो हो गई, दो कॉम्बिनेशन की थी वो साड़ी। और ये है देखो लाइट स्काई कलर की साड़ी, ये भी मैं पसंद की थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शिफॉन के कपड़े हैं ना, बहुत स्मूथ हल्के लगते हैं ना कपड़े पहनने में, तो बहुत अच्छा लगता है।
ये साड़ी मेरी बेटी पसंद की थी इसी शिवरात्रि के हैं, तो मुझे अब नहीं ये साड़ी पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता, बस मैं शिवरात्रि के टाइम पे पहनी हूँ, रख दी। मेरी बेटी बोलती मम्मा बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं आता ना मेरे लिए इसका कुछ बना दो। मैं बोले अभी नहीं, काट पीट करूँगी, रखी हूँ जब तक। 3 कलर उसमें आते हैं, फिर आगे जाकर एक एक करके बताऊंगी, अभी एक एक करके बता रही हूँ। ये साड़ी भी मेरी शादी के टाइम की बड़ी दीदी लाई थी मेरे लिए, ये झारखंड का है, धनबाद झारखंड का, वहाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती है, तो ये मैं पहनी थी ये साड़ी, मतलब 10-12 साल पहले की ये साड़ी है, अभी भी वही चमक, वही लुक, वही साइन, ड्राई वॉश करवाती हूँ उन साड़ियों को और अच्छा लगता है। तो ये 10-12 साल पहले मैं रिसेप्शन में पहनी थी, ये एक आ गई, ये ससुराल की तरफ से चढ़ाया गया था। 3 साड़ियाँ हमारे में ससुराल की तरफ से चढ़ाया जाता है, पता नहीं कैसा रिवाज है, तो वो 3 साड़ियों में से एक येलो जो भी इससे पिंक कटा हुआ दिखाई वो, और एक ये, और एक है हल्की साड़ी, मतलब एक रेड में है साड़ी चुमकी सितारे वाली, वो गाँव में है, तो वो रख दी। वो पता नहीं लाइट बनारसी था, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी मुझे इतने पसंद आ गई ना ये साड़ी कि मैं बोली मुझे चाहिए। मेरी छोटी बहन को बोली चल दिला मैं बाद में तुझे पे करूँगी, तो मेरी छोटी बहन ये साड़ी मुझे दिलवाई थी, बाद में मैंने उसको पे कर दिया था। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, इस पर मैं एक ब्लॉग बना चुकी हूँ कुतुब मीनार का, आप देखना, इसका लुक बहुत अच्छा आता है और बहुत हल्का है, और नेट का इसके जो आँचल के लास्ट में जो लाइनिंग है ना ये नेट के हैं, नेट है एक लाइन का, क्योंकि इसके ब्लाउज तो मैं दिखाई आप लोगों को। और देखो ये सब मेरी पसंद की साड़ियां हैं, ये सब मैं खुद ही जाकर शॉप पे जाके खुद ही पसंद करी हूँ, तो बहुत अच्छी लगती मुझे। इसमें 3 सेट है, इसमें ऑरेंज, ग्रे और ग्रीन टाइप में, और ये पूरा वेलवेट है बॉर्डर में, आंचल में बॉर्डर में पूरा वेलवेट का काम है, और उस पर स्टोन और मोती वर्क किया गया है, बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी भी, स्मार्ट लुक आता है इन साड़ियों को पहनने से। और इसकी ब्लाउज है फुल बाजू की नेट की ब्लैक में, इस पे भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो ये साड़ी भी मेरी फेवरेट है, और ये साड़ी तो दिखाई, ये शादी के बहुत पहले की साड़ी है, ये अभी तक वैसी है, बहुत कम पहनी हूँ, ये किसी दिन पीला पहनना होता ना पूजा वूजा वाले दिन, उसी दिन ये साड़ी पहनती हूँ। तो इसमें हल्का धागा का काम है और एक एक सितारे लगे हुए हैं मल्टी कलर टाइप में, तो वो भी अच्छे लगते हैं। ये देखो ये छत्तीसगढ़ की साड़ी है, छोटी बहन छोटे भाई के शादी में सबके लिए एक एक साड़ी ये लेकर आई थी, तो मुझे ये वर्क बहुत अच्छा लगता है, खादी सिल्क बोलते हैं इस साड़ी को। इसका ब्लाउज देखो बहुत अच्छा लगता है, इसका लुक बढ़ जाता है उस साड़ी में, इस टाइप के ब्लाउज पहनने से अच्छा लगता है इसका। ये है तांत की साड़ी, ये बंगाल से ली थी, बंगाल की साड़ी है ये। पर ये ना 1000 की ये साड़ी है, 1000 की, पर ये 2-3 बार पहनी, उसका कलर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, नेवी ब्लू कलर पिंक में चढ़ चुका है। और ये भी साड़ी बहुत पहले की, 7-8 साल पहले की साड़ी है, ये देखो ये 5-6 साल पहले की साड़ी है। मैं और मेरी साड़ियाँ, एक दिन मैं मरूंगी और मेरे साथ सारी साड़ियाँ चली जाएंगी। बहुत कम है साड़ियाँ, पर जो भी है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरी साड़ियाँ। पता है ये मेरे तीन हज़ार की 2 साड़ियाँ थी, जब से वो दोनों साड़ियाँ चोरी हुई ना और मेरा दिल टूट गया, अब मैं एक्सपेंसिव भारी साड़ी लेती ही नहीं हूँ, और वैसे भी भारी साड़ी ना अलमीरा ही पहनता, हम कहाँ पहनते, कभी किसी 1-2 शादी में अटेंड करो और उसके बाद ये अलमारी में पड़ा ही रहता है, तो इसलिए मैं भारी साड़ियाँ लेना छोड़ दी हूँ। और जो है इस टाइप की साड़ियाँ हैं कुछ कुछ का, तो वो भी ट्रेंड भी पुराना हो चुका है, लेकिन ऑल ओवर होते हैं बहुत सारी साड़ियाँ, जब भी पहन लो अच्छा ही लगता है। तो ये हल्के वाले कॉटन में भी है मेरे पास, शिफॉन भी है, जॉर्जेट भी है, सिल्क भी है, जो भी है सब चीप एंड बेस्ट है। ये देखो स्मूथ साड़ी, बहुत अच्छी लगती है साड़ी, इतनी से मतलब वो जो स्मूथनेस है ना साड़ियों की, तो अच्छी लगती है। अब इतने सारा मैं दिखाई, अब सबको मुझे तह लगाना, देखो मैंने क्या कर दिया घर का। अब सबको मैं तह लगाऊंगी, अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाई हूँ, कैसा लगा बताना, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।